बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करना, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना, इसके लिए हर विद्यार्थी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। लेकिन जब हम टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं जिनकी वजह से उनके एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छे होते हैं और लेस एफर्ट में वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। उन्हें पता होता है कि अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए उन्हें किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों पर उन्हें काम करना है। यह सारी बातें टॉपर्स के माइंड में क्लियर होती हैं और यही कारण होता है कि वह अपने सफलता का परचम अपने एग्जाम में लहराते हैं। सबसे पहले जान लें कि आपको जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो अपने एग्जाम के सिलेबस को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और वह ऐसे दो पार्ट ये हैं। जो पहला आपका होगा वह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए अपने एग्जामिनेशन के 3 to 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं और उनमें से वह टॉपिक्स आपको मार्क करने हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, ये चीजें आपको मार्क करनी है। दूसरे वो टॉपिक्स होंगे जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जाता है, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। और सबसे पहला फोकस आपको इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स पे करनी है। इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है और इन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, आंसर राइटिंग आपको करना है, तब आप इस एग्जाम में सफलता पा पाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को ही अपनी होली बुक की तरह आपको पढ़नी है, यानी कि अपनी एनसीईआरटी को ही आप अपनी गीता, बाइबल, जो भी आप मानना चाहते हैं उस बुक को आप मानिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंटेक्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो भी डाटा एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, यानी एनसीईआरटी की बुक को आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, उसके सारे टेक्स्ट को आपको समझना है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसके बेसिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, लगाना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस हो वो मैक्स लेवल पर हो और यही कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाए। तीसरी बात जब आपको ध्यान रखनी है कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका टाइम टेबल इस तरीके का होना चाहिए कि लो प्रेशर और साथ ही साथ आप अपने हर सब्जेक्ट को रोज टाइम जरूर दे रहे हैं, यानी कि अगर आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं तो आपका टाइम टेबल बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए कि आपके टाइम टेबल के अंदर हर सब्जेक्ट को टाइम मिल रहा हो। कोर सब्जेक्ट पर आप ज्यादा टाइम दें, एडिशनल सब्जेक्ट पर आप कम टाइम दें, लेकिन हर सब्जेक्ट को आप जब रोज पढ़ेंगे तो ऐसा देखेंगे आप कि आपसे 1 महीने 2 महीने बाद, यानी 30 days after 60 days, एक आप अलग से एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका सिलेबस भी खत्म होता जा रहा है और आपको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना नहीं पड़ रहा, यानी कि आपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अब आपको किसी भी सिलेबस, कोई भी सिलेबस आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं लग रहा है, आपको किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं आ रही है। अगली बात, जब आप अपने क्लास के अंदर पढ़ाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्लास के अंदर बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, यानी कि आप जब ट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, जो भी आपके टीचर्स आपकी बातें आपको बताते हैं, जो टॉपिक वो पढ़ाते हैं, उन टॉपिक्स को घर आकर के आपको पढ़ना है। आपको कोई भी पीछे की चीज नहीं सोचनी है, जो आपके क्लास में चल रहा है उसी पैरेलल पैटर्न में आपको चलना है, अपने टीचर्स की कही हुई बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, उनके प्रॉपरली आप चाहें तो उन पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आपके आंसर फ्रेमिंग का कारण बनेंगे। मैं आपको बोर्ड एग्जाम का एक सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब हम बोर्ड परीक्षा को देने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चीजें याद नहीं है, हम पेपर में क्या करेंगे, उसका कारण उसका प्रेशर वाला एनवायरमेंट होता है और उसी प्रेशर से आपको बचाता है आपकी अटेंटिवनेस जो आपने क्लास में उस वक्त दिखाई थी, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे डाटा फैक्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपको टीचर के लेक्चर के अंदर याद होती हैं और उन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हुए आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप यहां पर हासिल करते हैं। तो उम्मीद है यह कुछ पॉइंट्स आप अपने तैयारी के दौरान ध्यान रखेंगे ताकि अपने सिलेबस को आप जल्द से जल्द कवर करें और बेहतरीन और शानदार सफलता आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर हासिल करें।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।